को देखो मशक्कत कर रहे है, हमारी बाइक यहाँ पर फंस चुकी है, अभी यहाँ पर उतरना पड़ेगा हमें। रोक दो रोक दो भाई, रोक दो रोक दो रोक दो अभी बाइक रोक दो, इधर नहीं चलेगी। पूरा गटादार जंगल है, उसके बीच में ये मंदिर है पूरा। गुंदेश्वर महादेव का रास्ता अभी पूरी तरह से बंजर हो गया है। छोटी गाड़ी चलेगी, लेकिन बड़ी गाड़ी तो नीचे छोटी कुछ नहीं चलेगी। छोटी कौन चला है मामा? छोटी नहीं चलेगी सलेश भाई, कुछ नहीं चलेगा। और यहाँ पर लेपट से सावधान ऐसा बोर्ड लगा हुआ है हरीश भाई, देखो यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं गुंदेश्वर महादेव, हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अभी बारिश के टाइम के बाद उधर जाना बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन हम लोग ये रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं गुंदेश्वर महादेव, तो आप भी देखो वहाँ का रास्ता बारिश के बाद कितना ख़राब और धुल गया है पानी से, फिर भी हम लोग एक बड़ा रिस्क लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, तो बाइक से जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, हमारी जर्नी कैसी रहने वाली है वो हमें ही पता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं गुंदेश्वर महादेव। काफ़ी बंजर रास्ता हो गया, बंजर आप देख सकते हैं। गुंदेश्वर महादेव का रास्ता अभी पूरी तरह से बंजर हो गया है, बरसात की वजह से ये पूरा रास्ता ही यहाँ से ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं। अभी हमने नीचे से ऊपर गाड़ी चढ़ा तो ली है, लेकिन आगे का रास्ता भी कैसा है देखते हैं जहाँ से। अभी देखो शैलेश भाई कहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं। ये देखो पहाड़, देखो पहाड़ पूरा लीला लीला हो गया है। अपना जोर लगा रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं। कैसे हो हरीश भाई? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। किधर जा रहे हो? आज निकले गुंदेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। गुंदेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए निकले हैं। हमें पता था रास्ता काफ़ी ख़राब होगा बारिश के बाद, इसलिए हम बाइक से निकले, वरना पूरे फैमिली के साथ आने वाले थे फोर व्हील से। बारिश की वजह से पूरा रास्ता धुल गया है। देखो देखो रास्ता देखो, हमारे पास पल्सर 150 है इसलिए ये चलती है, वरना तो 3 लोग की सवारी में यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा रास्ता धुल गया है। ओए वरी आयो कीचड़ हो गया है। देखो दोस्तों रास्ता कैसा हो गया है, आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हमें गुंदेश्वर आने में। बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं पानी के, पानी की वजह से। भी पानी भर गया है, अभी इधर भी बड़ा खड्डा आ गया है। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। अभी आगे रास्ते में बहुत बड़ा खड्डा आ गया है, देखो इतना बड़ा खड्डा, पानी की वजह से कितनी बारिश हुई। अभी किधर किधर से बाइक को निकल रहे हैं। अभी रास्ते में हमारा आधा घंटा निकल गया है। काफी बढ़िया मौसम है और एंजॉय कर रहा है बाइक के ऊपर।
पैलेस में काफी एडी चोटी का जोल लगा रहे हैं। पैलेस में पहुंच जाएंगे आज, पहुंचा देना है। कहां से कहां जाना है कुछ पता नहीं चल रहा है अभी, कहां पे रास्ता सब तरह खराब हो गया है, कहां से कहां जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। ठंडा ठंडा पवन आ रहा है लेकिन ज्यादा धूप नहीं है इसलिए चलता है। इधर तो पानी देखो पूरा डैम भर गया है, देखिए हालत देखो। बारिश की वजह से धुल गया है, धुल गया। ये देखो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, पूरा जंगल है यहाँ पर, जंगल। मौज कर दियो आज तो, बारिश शुरू होने वाली है अभी, बारिश भी आ रही है और मौज आ गई भाई। देखो बफेलस जा रहे हैं, इधर से तो पैदल ही जाना पड़ेगा बफेलस भाई। देखो रास्ता देखो पूरा पानी की वजह से धुल गया है। देखो शैलेश भाई मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर फोर व्हीलर से तो आना ही मत, बहुत ज्यादा रास्ता खराब है, क्योंकि टू व्हीलर बड़े बड़े खड्डे में से निकल जाती है, फोर व्हीलर कैसे निकलेगी। और यहाँ पर लेपट से सावधान ऐसा बोर्ड लगा हुआ है हरीश भाई। देखो यहाँ पर बाइक के साथ हमारी सफर शुरू हो गई है। देखो रास्ता काफी खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशानी हुई हरीश भाई, बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत की इधर आने तक, बहुत मेहनत लगी इधर आने तक, पूरा रास्ता धुल गया पानी की वजह से, पूरा रास्ता धुल गया है। ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, अगर एक दो दिन में कोई प्लान कर रहा है तो इधर नहीं आने का, छोटी गाड़ी चलेगी लेकिन बड़ी गाड़ी तो नीचे छोटी कुछ नहीं चलेगी मामा, छोटी कौन चला है मामा, छोटी नहीं चलेगी सलेश भाई, कुछ नहीं चलेगा। ज़्यादा मेहनत हो रही है, इधर फंस गए ऐसा लग रहा है हमें, इतनी गिन रही है, अभी बारिश हो गई है इसलिए। रास्ता देखो फिर से, अभी दो तीन मिनट का हमारा सफर बाकी है वहाँ तक पहुँचने का। नहीं बात है हरीश भाई सही बोल रहे हैं, इस मंदिर की कमेटी को जल्द से जल्द हम निवेदन करते हैं तो इस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अभी श्रावण मास शुरू होगा तो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है दर्शन करने के लिए, इसलिए मंदिर की कमेटी को हम निवेदन करते हैं जल्द से जल्द इस रास्ते को कुछ किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है हमें जहाँ तक पहुँचने के लिए। हमें पता तो था रास्ता थोड़ा खराब होगा, अभी देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, अगर विंचर विंचर पड़ा शैलेश भाई तो क्या करेंगे, जब पिक्चर हो गया तो फिर पैदल ही जाना है घर पे, और कुछ रास्ता नहीं है। ये देखो मोर, देखो मोर, देखो देखो मोर जा रहा है। तो दोस्तों अभी फाइनली हम पंचमेश्वर महादेव आ गए हैं, जो गुंदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर आने तक, पसीना पसीना हो गया बीच में रास्ते में। देखो दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। जय सोमनाथ। Everything just feels like a test. I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let. दोस्तों काफी ज्यादा रास्ता खराब था और बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। इधर जो पूजा करते हैं वो
हमें देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे रास्ते में कैसे आए। वो भी आश्चर्यचकित हो गए इधर, वो भी यहाँ पर पैदल आते हैं। उसको भी ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। अभी देखो यहाँ पर कुआं भी है पानी पीने का, रहे हाथ और पैर धुल रहे झरने पे। अभी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, देखो अभी पानी बहता रहता है पहाड़ में से। अभी यहाँ पर मंदिर में दर्शन करते और उसके बाद मिलते हैं फिर से। हमें घर पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो पश्चिमेश्वर महादेव, गुंदेश्वर महादेव। पहले भी हमने एक वीडियो निकाला था इस मंदिर का, जहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है, इसलिए हम बार बार आते रहते हैं, है ना शैलेश भाई। कैसी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत ज़्यादा हार्ड वाली। क्योंकि क्यों ऐसा लगा? क्योंकि पूरा रोड बारिश की वजह से खराब हो चुका है, धुल गया पानी में, पूरा धुल चुका है। अब देखो दोस्तों यहाँ के पेड़ देखो कितने साल पुराने पेड़ है, ये बड़े बड़े पेड़ है। अब देखो पूरा गटादार जंगल है, उसके बीच में ये मंदिर है पूरा। रात रात के टाइम में तो इधर आना ही मत, बड़े बड़े जानवर भी निकलते हैं। देखो हरियाली के बीच में ऐसा मंदिर और ऐसा माहौल। शैलेश भाई और हरीश भाई दर्शन करने के लिए बैठ गए हैं। जय गुंदेश्वर महादेव। हरीश भाई जा रहा है इसके अंदर दर्शन करने के लिए, और तब तक आप लोग बाहर का नजारा देखो। बरसात के बाद की हरियाली देखो, पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए, अभी यहाँ से निकल रहे हैं फिर से वापस घर पे जाने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं फिर से। अभी आगे तालाब है, उधर रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जहाँ से आगे जा रहे हो लेके वहाँ तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे पाक्सर लेके ना, वो हमने उसका वीडियो आगे एक बनाया है पूरा। देखो पीछे कितनी ग्रीनरी दिख रही है, और वातावरण भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है, और मोर का आवाज़ भी आ रहा है। अभी हम इस बाइक से आए थे, वरना दूसरी कोई बाइक होती तो इस रास्ते में चलती ही नहीं। देखो दोस्तों कितना पानी भर गया है ये तालाब में, अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा कमर कांकड़ी हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन अब पानी से भर गया है पूरा। ये रास्ता देखो घूमने फिरने के लिए एकदम मस्त। बहुत साल पुराना ये पेड़ है। Inspired by thirst. पाक्सर लेक इसको बोलते हैं। बड़ा सा तालाब है, इसमें बहुत सारे मगरमच्छ भी है। अभी जैसे ही श्रावण महीना स्टार्ट होगा तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़
लग जाएगी और बहुत सारे कमर भी इसमें होते हैं। I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर पे जाने के लिए। अभी फिर से सफर शुरू हो गया है हमारा। और इसमें कैसा है रहा सफर आपका? बड़ा मुश्किल सफर। बारिश की वजह से पूरा रास्ता बंजर हो गया। धुल गया, बंजर हो गया है। देखो क्या हो रही है हालत हमारी। ये देखो, ये ऐसा दृश्य आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। कितना मस्त लग रहा है ना। भाई हैवी ड्राइवर है बहुत ज़्यादा, वरना इधर तो बाइक चलती नहीं है। यहाँ पर बहुत हैवी ड्राइवर की ज़रूरत है। हमारे जैसे ड्राइवर इधर काम नहीं आते। बड़े बड़े गड्ढे हो गए बारिश की वजह से। बाइक रुक रुक के चल रही है। देखो कितना धुल गया है पानी की वजह से। ऐसे में कैसे चलेगी बाइक? पांच साल के बाद मैं आज बाइक के ऊपर बैठा हूँ। हरीश भाई 5 साल के बाद बाइक के ऊपर बैठे हैं। वो स्वीडन में रहते हैं ना, उधर फोर व्हील चलाते हैं। बाइक नहीं चलाते। उधर यहाँ भी जाना है, वहाँ उधर फोर व्हील से ही निकलते हैं, कार से निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर वही ऐसे ही चलते हैं ना। हाँ, उधर सब कार से ही निकलते हैं घर से, क्योंकि उस तो विंटर में बहुत बड़ी ठंड रहती है उधर, इसलिए सभी लोग कार से ही निकलते हैं। देखो यहाँ पर बड़ा गड्ढा आ गया है फिर से। अभी देखो शैलेश भाई बोल रहा है जब तक चलेगी तब तक चलने देने का, जब जरूरत नहीं है तब तक उतरने की जरूरत नहीं है, रुकेगी तब देख लेंगे। अभी फिर से गड्ढा आ गया है वापस। अभी यहाँ पर उतरना पड़ेगा हमें। शैलेश भाई रोक दो, भाई रोक दो, रोक दे, रोक दो। अभी बाइक रोक दो, इधर नहीं चलेगी। ये देखो कितना बड़ा गड्ढा, इस गड्ढे में से कैसे चलेगी बाइक? पानी की वजह से पूरा धुल गया है। देखो कितना बंजर हो गया है। ये देखो पानी की वजह से पूरा रास्ता धुल गया और खराब हो गया है। इतना बड़ा खड्डा हो गया है, इसमें किसी की बाइक गिरेगी तो निकलेगी भी नहीं बाहर। देखो मशक्कत कर रहे हैं। हमारी बाइक यहाँ पर फंस चुकी है। अभी बाइक को घुमा के निकाल लेंगे, उधर से घुमा फिरा के निकालेंगे, क्योंकि इधर से नहीं चली बाइक। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं शैलेश भाई। मैं और हरीश भाई एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, बाइक के पीछे चल रहे हैं। क्या कहोगे कैसा है रास्ता? रास्ता तो धुल गया है, पूरा धुल गया है। अभी बीच बीच में उतरना पड़ रहा है बाइक से नीचे। एक ही बाइक गुजरी है इधर से, अभी तक एक ही बाइक आई है, वो भी इधर ही रहते हैं इसलिए। फिर से हम लोग नीचे उतर गए बाइक से, क्योंकि रास्ता काफ़ी बंजर हो गया है। देखो यहाँ पर पानी ने क्या हल कर दिया है रास्ते का, वो आप देखो इसमें से कैसे गाड़ी निकलेगी। ये
ये देखो पानी यहाँ से आया है और पूरा उथल पुथल मचा दिया है यहाँ पर। बाइक उधर से हम लोग निकाल रहे हैं, शैलेश भाई उधर से बाइक को लेके जा रहे हैं ऊपर। वरे वरे मैं देखो दोस्तों यहाँ पर पूरा खराब हो गया है। देखो हम फाइनली रोड पर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें, दर्शन भी हो गए, बहुत ज़्यादा डर लगा है यार। अभी फाइनली आ गए, अभी हम जा रहे घर पे, फाइनली घर पे पहुँचने वाले हैं, उधर मिलते हैं।